मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर से वीसी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये वीसी ली। 20 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू होने वाला है। कलेक्टर्स के बाद में अब वीसी के जरिए उन्होंने ये सूचना जारी करी और वीसी के दौरान मंत्रियों के साथ में मुख्यमंत्री गहलोत ने चर्चा भी की। आने वाले टाइम में भी इस प्रकार की वीसी होगी जहां पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, डॉक्टर बीडी कल्ला, मास्टर भंवरलाल परसादी, लाल मीणा, रमेश मीणा, इन्हीं के साथ में लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, अर्जुन बामनिया, भंवर सिंह भाटी, सुखराम बिश्नोई, टीकाराम जूली और भजन लाल जाटव और राजेंद्र यादव भी मौजूद रहे। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये वीसी ली तमाम जिला कलेक्टर्स के साथ में, और उसके साथ में बड़े चेहरे यहां पर प्रशासन के मौजूद रहे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। चूंकि 20 अप्रैल से राजस्थान में अब मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने वाला है। मॉडिफाइड लॉकडाउन का मतलब है कि कुछ यहां पर रियायतें पाबंदियों के साथ में जारी की जाएगी। जनता की सुविधा के लिए और जनता के कुछ वर्गों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा मुहैया कराने के लिए 20 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन प्रदेश भर में लागू होगा। उसी के तहत तमाम इंतजामों की यहां पर समीक्षा की। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों से यहां पर चर्चा की। डिप्टी सीएम सचिन पायलट, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मंत्री बीडी कल्ला, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, परसादी लाल मीणा, रमेश चंद्र मीणा, लालचंद कटारिया और उदयलाल आंजना उनके साथ मौजूद रहे। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब राजस्थान में कोरोना